वेलकम और वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज ममता अग्रवाल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब बटन हिट करना बिल्कुल फ्री है। सो यार, जैसा कि आप सभी ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि आज की पूरी वीडियो किस पर बनने वाली है। आज की जो पूरी वीडियो है वह स्किन केयर के ऊपर, इन द सेंस आज हम अपने घर पे करेंगे स्किन व्हाइटनिंग फेशियल, जो काफी ज्यादा अमेजिंग है आपके टैन को रिमूव करने के लिए, आपको ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करने के लिए, एट द सेम टाइम आपकी स्किन को पिंकिश ग्लो लाए। जब स्किन व्हाइटनिंग का नाम आता है तो हम हमेशा रिलाय करते हैं डॉक्टर्स के ऊपर, क्योंकि वो अलग अलग ट्रीटमेंट्स करके, अलग अलग फेशियल करके हमारी स्किन को व्हाइटन करने में हेल्प करता है। व्हाइटन स्किन का मतलब ये नहीं होता कि आपकी स्किन को एकदम फेयरर कर देगा, नहीं। व्हाइटन का मतलब ये होता है कि आपकी स्किन को फेयरर करेगा, ब्राइटन करेगा। एट द सेम टाइम अगर आपको टैनिंग, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट जैसी शिकायत है तो उसे खत्म करने में या रिमूव करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये स्किन व्हाइटनिंग फेशियल हम सिर्फ एक ही क्रीम सेट करेंगे जो इस मौसम में बहुत इजीली अवेलेबल रहता है, एंड इसका जो खर्चा आएगा वो आएगा सिर्फ 10 रुपया। सो गाइस, इसमें जो फेशियल में मैंने इंग्रेडिएंट यूज किया, दैट इज बीट रूट, जिसको हम बीट भी कहते हैं एंड चुकुंदर भी कहते हैं, वो काफी ज्यादा अमेजिंग होता है आपकी स्किन के लिए एंड हेयर के लिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्किन की, तो ये रिच होता है विटामिन सी में, जो आपके साइंस ऑफ एजिंग को डिले करने में काफी ज्यादा अमेजिंग है। अब साइंस ऑफ एजिंग किसे कहते हैं? रिंकल्स, फाइन लाइंस, या आपको बहुत ज्यादा सैगी स्किन हो गई है तो उसे क्योर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए काफी ज्यादा अमेजिंग है। सेकेंड, ये काम करेगा आपकी स्किन को ग्लो करने में। ड्यू टू इट्स पिंकिश नेचर या रेड कलर का नेचर, ये आपकी स्किन पे एक नेचुरल ब्लश का भी काम करता है एंड आपकी स्किन को सुपरबली रोजी चिप्स प्रोवाइड करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है, इसलिए हमने इसे यूज किया। थर्ड, इसकी बात कर ले तो ये आपके एक्ने को क्लियर करने में हेल्प करेगा एंड अगर आपको डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन जैसी शिकायत है तो इसे लाइटन आउट करने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको लेमन जैसी चीज सूट नहीं होती तो आप बीट रूट के साथ डेफिनेटली लगा सकते हो, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है आपके ओवरऑल स्किन को एनहेंस करने में, इम्प्रूव करने के लिए। इसलिए जो मैंने ओनली इंग्रेडिएंट इसमें यूज किया, दैट इज चुकुंदर, बस इसी का हम पूरा फेशियल करने वाले हैं, दैट टू विद नेचुरल एंड होम रेमेडीज। हम कुछ भी बाहर से नहीं लाएंगे, हम जो भी चीजें इसमें यूज करेंगे वो आपके घर पे बहुत इजी अवेलेबल होगा। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट अ वीडियो। हाय गाइस, सो गाइस, जैसे कि आप मेरी स्किन देख सकते हो काफी ज्यादा डल लग रही है, पिगमेंटेड लग रही है, एट द सेम टाइम टैन भी लग रही है, तो हम करेंगे # स्किन व्हाइटनिंग फेशियल। लेकिन उससे पहले आपको अपने फेस को करना है स्टीम। स्टीमिंग करेगा हेल्प आपको ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए, आपके पोर्स को ओपन करने के लिए, एंड अगर आपको ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड जैसी प्रॉब्लम है तो उसे सॉफ्टन करने में भी हेल्प करेगा। आपको एक बाउल में गर्म पानी लेना है जितना आप सह सको, उसमें आपको टॉवल डिप करके उसे स्टीम लेना है। अगर आपके स्टीमर है तो उसे 2-3 मिनट लेना है। सब हम मूव ऑन करते हैं बीटरूट फेशियल की तरफ। तो उसके लिए आपको चाहिए 2 बीटरूट, उसको आपको कट कर लेना है एंड किसी भी ब्लेंडिंग जार में ऐड कर लेना है। देन इसमें आपको ऐड करना है थोड़ा सा पानी एंड इसे कर लेना है अच्छे से ब्लेंड, एंड योर बीटरूट का जो पेस्ट है वो रेडी हो जाएगा। आपको स्ट्रेनर की हेल्प से इस सारे पेस्ट को छान लेना है, देन आपको मिलेगा बीटरूट जूस एंड बीटरूट पेस्ट, फेंकना नहीं है। अब हम करेंगे क्लेंजर प्रिपेयर। तो उसके लिए आपको एक बाउल में ऐड 2 टेबलस्पून ऑफ मिल्क, आइदर बॉइल्ड और रॉ, एंड इसमें आपको ऐड करना है 1 टेबलस्पून बीटरूट जूस एंड इसे कर लेना अच्छे से मिक्स, एंड योर DIY क्लेंजर इज रेडी। अब बारी आती है एप्लीकेशन की। तो टिश्यू पेपर, कॉटन की हेल्प से आपको इस पूरे क्लेंजर को अपने फेस पर अप्लाई करना है इन सर्कुलर मोशन। ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है आपकी स्किन को डीपली क्लींस करने में, एट द सेम टाइम आपकी टैनिंग को भी रिमूव कर देगा बहुत हद तक। अच्छे से अप्लाई करना है एंड देन 5 मिनट्स की मसाज देनी है। अच्छे से मसाज देने के बाद आपको इसे ठंडे पानी से धो लेना है एंड देन आपको करना है पैड ड्राई। यू कैन सी द रियल रिजल्ट्स इन जस्ट फर्स्ट यूज। Step 3 इज प्रिपेयरिंग स्क्रब। तो उसके लिए आपको एक बाउल में ऐड करना है 1 टेबलस्पून ऑफ राइस फ्लोर, यानी कि चावल का आटा। देन इसमें आपको ऐड करना है 1 टेबलस्पून ऑफ बीट रूट पेस्ट, जो मैंने आपको कहा था कि फेंकना नहीं है, एंड देन इसमें आपको ऐड करना है 1 टेबलस्पून ऑफ मिल्क एंड इसे कर लेना अच्छे से मिक्स, एंड योर DIY स्क्रब इज रेडी। तो अब बारी आती है एप्लीकेशन की। तो आपको इस स्क्रब को पूरे फेस पे अप्लाई करना है विद स्लो हैंड्स। मेक श्योर करना कि बहुत स्लो हैंड से कर रहे हो, क्योंकि राइस फ्लोर जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े रफ होते हैं, इसलिए आपको बहुत स्लो हैंड से करना है। अगर स्क्रब की बात कर लो तो ये आपके ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड को रिमूव करने में हेल्प करेगा, डेड स्किन लेयर्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा, एट द सेम टाइम आपके स्किन पे ग्लो भी ऐड करेगा। अगर आपको टैनिंग, पिगमेंटेशन जैसी शिकायत है तो उसे भी रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। 5 मिनट्स मसाज करना है स्लो हैंड से एंड देन वॉश ऑफ करना है विद नॉर्मल वाटर एंड देन पैड ड्राई करना है। रिजल्ट आपको एक ही बार में मिल जाएगा। Step 4 इज मसाजिंग जेल। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको एक बाउल में ऐड करना है 1/2 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल एंड देन इसमें आपको ऐड करना है 1 टेबलस्पून ऑफ हनी। आप हनी कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो एंड देन इसमें आपको ऐड करना है 1 टेबलस्पून बीट रूट जूस एंड इसे कर लेना अच्छे से मिक्स, एंड योर DIY मसाजिंग जेल इज रेडी।
अब बारी आती है एप्लीकेशन की। तो आपको इस जेल को अप्लाई करना है अपने पूरे फेस पे इन सर्कुलर मोशन। ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, जो आपके ग्लो को प्रोवाइड करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इस मसाजिंग जेल को आपको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है एंड देन स्लो हैंड से आपको 5 to 6 मिनट्स मसाज करनी है। ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए, एट द सेम टाइम आपकी स्किन पे ग्लो भी ऐड करेगा। अगर आपको डार्क सर्कल जैसी शिकायत है या डार्क स्पॉट जैसी शिकायत है तो भी उसको रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छे से 10 मिनट्स आपको मसाज करना है एंड देन नॉर्मल पानी से वॉश ऑफ करना है। ग्लो आपको एक ही बार में मिल जाएगा, इज जस्ट वाओ। स्टेप 5 इज DIY फेस पैक। उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको एक बाउल में ऐड करना है 1 tablespoon ऑफ बेसन, देन इसमें आपको ऐड करना है 1 tablespoon व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूं का आटा, एंड देन इसमें आपको ऐड करना है 4 to 5 tablespoon बीट रूट जूस एंड इसे कर लेना अच्छे से मिक्स। एंड देन इसमें आपको ऐड करना है 2 tablespoon ऑफ मिल्क। आप चाहो तो इसमें टर्मरिक भी ऐड कर सकते हो एंड इसे कर लेना अच्छे से मिक्स एंड योर DIY फेस पैक इज रेडी। अब बारी आती है एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन से पहले आपको अपने फेस को हल्का सा स्टीम कर लेना है एंड देन इसे अप्लाई करना है। ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग ऐप है स्किन को ग्लो प्रोवाइड करने के लिए, आपके चिक्स को रोजी पिंक बनाने के लिए, एट द सेम टाइम आपके टैनिंग को भी बहुत हद तक क्योर कर देता है। इस मास्क को आपको पूरी तरह अप्लाई करना है एंड देन 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। आफ्टर 20 मिनट्स वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो आपको हल्का सा स्क्रब करना है, जो रिमेनिंग ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड है वो इसे रिमूव हो जाएंगे एंड देन ठंडे पानी से वॉश ऑफ कर लेना है। आपको मेक श्योर करना है कि ठंडा पानी हो एंड देन आपको पैड ड्राई करना है। रिजल्ट इज जस्ट वाओ, बहुत ज़्यादा स्किन ग्लो करती है। इसके बाद आप चाहो तो टोन एंड मॉइस्चराइज भी कर सकते हैं। सो यार, देखा ना आपने कि स्किन व्हाइटनिंग फेशियल को करना कितना ज़्यादा ईजी एंड क्विक था। अगर आपको बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन जैसी शिकायत है तो आपको इस फेशियल को हफ्ते में 2 बार तो पक्के से करना पड़ेगा, तभी आपको परमानेंट रिजल्ट्स मिलेगा एंड एक ही बार के यूज से आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन कितनी ज्यादा फेयरर हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। एट द सेम टाइम आपकी स्किन से जो डेड लेयर्स है वो भी रिमूव हो चुकी है एंड आपको एक स्मूथ ग्लोइंग स्किन मिल गई होगी। बहुत अमेजिंग है ये स्किन व्हाइटनिंग फेशियल, इसे आप डेफिनेट ट्राई करना। अगर आप ट्राई कर रहे हो तो प्लीज लेट मी नो कमेंट सेक्शन। सो यार, आज की वीडियो तो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आ गई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लव यू, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।